हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं सोनी देव DZ355.1 होम थिएटर का रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं। इसका प्राइस है 22,990 रुपीज़। अगर आप लोग हल्द्वानी के हैं, नैनीताल के हैं या उत्तराखंड से हैं तो डेफिनेटली आप GRD इलेक्ट्रॉनिक्स से इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ये बेस्ट प्राइस का लग जाएगा। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर और एड्रेस मेंशन कर दूंगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग अदर स्टेट्स के हैं जैसे दिल्ली के हैं या मुंबई के हैं तो मैं आप लोगों के लिए अमेजोन का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे से परचेज कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो दोस्तों वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा सोनी देव DZ355.1 होम थिएटर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा डिज़ाइन दिखा देता हूँ एंड फिर उसके बाद हम इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे एंड फिर मैं आपको इसका साउंड डेमो दूंगा। सो देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा सोनी का एस मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर एंड इस पर हमें 1000 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, USB एंड DVD प्लेयर भी हमें इस पर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हमें मिल जाती है एंड दोस्तों इस पर हमें 2 माइक पोर्ट भी मिल जाते हैं। हम वाइड वाले माइक भी इस पर कनेक्ट कर पाएंगे। एंड दोस्तों फ्रंट पे ही हमें बटन्स मिल जाते हैं प्ले पॉज, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एंड हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। उसके जस्ट बगल में हमें डिस्क ट्रे मिलता है एंड हमें छोटा सा डिस्प्ले भी मिल जाता है। जो भी फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रंट पे मिल जाती हैं। एंड दोस्तों हमें बिग सबवूफर मिलता है, 5 सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं, 2 फ्रंट राइट लेफ्ट के स्पीकर मिलते हैं, 2 रियर साइड के स्पीकर मिलते हैं एंड हमें 1 सेंटर स्पीकर भी मिल जाता है। सो आप अपने पूरे रूम में इन्हें वॉल माउंट कर सकते हैं एंड सराउंड साउंड का मजा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब एस मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर के बैक साइड पर देख लेते हैं हमें कौन कौन से इस पे पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमें स्पीकर्स के लिए पोर्ट्स मिल जाते हैं। हमारे सारे स्पीकर्स सबवूफर यहाँ पे कनेक्ट होंगे एंड इसके जस्ट बगल में हमें ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट मिल जाता है एंड उसके जस्ट बगल में हमें HDMI आउट ARC पोर्ट मिलता है एंड हमें वीडियो आउटपुट पोर्ट मिलता है एंड हमें ऑडियो इनपुट पोर्ट मिल जाते हैं एंड साथ में हमें FM एंटीना पोर्ट भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बैक साइड पर मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों आप एक बार और इसका डिज़ाइन डिटेल में देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों देख लीजिए, इस पर हमें डॉल्बी सराउंड प्रो लॉजिक का सपोर्ट मिल जाता है, हमें इस पे USB पोर्ट भी मिल जाता है, हम अपनी पेन ड्राइव को प्लग इन करके म्यूजिक का मजा ले पाएंगे एंड दोस्तों अगर आप सिंगिंग करने के शौकीन हैं तो इस पर हमें कैरियोके का भी फंक्शन मिल जाता है, 2 वाइड वाले माइक हम इस पे कनेक्ट कर पाएंगे एंड दोस्तों इस पर हमें ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट भी मिल जाता है, एस मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर मिलता है, डॉल्बी डिजिटल का भी सपोर्ट मिलता है एंड हमें HDMI ARC आउटपुट पोर्ट भी मिल जाता है एंड हमें ब्लूटूथ की वायरलेस कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स हमें इस पे मिल जाते हैं एंड दोस्तों इसका जो टोटल पावर आउटपुट है वो है 1000 वॉट्स RMS की। चलिए दोस्तों अब आपको इसका साउंड डेमो दे देते हैं। तो देख लीजिए हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आएगा।
सो दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड रेडी रहेगा जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आ जाएगा। एंड दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमें इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया लगी है, बहुत पावरफुल बेस हमें मिलता है, क्रिस्टल क्लियर साउंड है, लाउडनेस भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। यार दोस्तों साउंड क्वालिटी के हिसाब से तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि 1000 वॉट्स RMS का इसका हमें साउंड आउटपुट मिल जाता है। सो साउंड क्वालिटी तो इसकी काफ़ी सुपर्ब है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यार दोस्तों इस बजट में हमें सोनी ST IV 300 भी मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से मतलब पर्सनली मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगता है। उसमें हमें फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं एंड साउंड आउटपुट दोनों का बराबर का है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार साउंड इसमें ज़्यादा मिलता है या IV 300 में मिलता है। साउंड क्वालिटी तो दोनों की सेम है, क्योंकि आपको पता है हमने ST IV 300 का भी साउंड टेस्ट डाल दिया है। सो हमने पूरा मतलब दोनों को टेस्ट कर रखा है, सो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ साउंड क्वालिटी में तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। बट स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो IV 300 में हमें ज़्यादा बेटर स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको 21 या 22 तक में कोई अच्छा सिस्टम परचेज करना है 5.1 होम थिएटर में, तो आपके लिए सोनी ST IV 300 ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपको खाली सॉन्ग सुनने हैं तो तब आपके लिए ये काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है। जैसा कि अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तब भी आपके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप जैसे मूवी वॉचिंग करने की सोच रहे हैं या अपने टीवी के साथ कनेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको ST IV 300 को परचेस करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे रेडी रहेगा जब इसका डिटेल साउंड टेस्ट आएगा तो हम इसे और अच्छे से टेस्ट करेंगे एंड आपको बताएंगे कि यार इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो किस लेवल पर हमें मिलती है। सो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। सो दोस्तों यही था मेरा फाइनल वर्डिक्ट जो कि मैंने आपको टू बी ऑनेस्ट बता दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों आपने अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।